जम्मू शहर में बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, मेट्रो स्टैंड तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब हमारे जम्मू शहर में बाईसाइकिल स्टैंड भी जो है वो ट्रायल पर शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो एक स्लोगन जो है वो दिया गया, हम फिट तो इंडिया फिट, और यहाँ पर आप बाईसाइकिल्स जो है वो देख रहे हैं, ये इस समय ट्रायल पर जो है चल रही है और बहुत जल्द लोगों के लिए जो है, आम लोगों के लिए ये सुचारू रूप से जो है वो चलने लगेंगे। इस समय छन्नी में हम मौजूद हैं, जहाँ पे अलग अलग जगहों पर जो है ये स्टैंड जो है बाईसाइकिल स्टैंड खुल चुके हैं और लोग जो है बहुत जल्द इसका फ़ायदा जो है वो उठा पाएंगे, किराए पर जो है ये साइकिल जो है ले पाएंगे और एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए ये साइकिल जो है आपकी मदद करेगा। ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए जो है ये जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो बहुत जल्द जिसका फ़ायदा जो है आम लोगों को मिलने वाला है। और इसके लिए एक ऐप, मैं बता दूं, याना ऐप जो है वो भी जो है यहाँ पर लाई गई है, लेकिन इसका भी ट्रायल जो है अभी चल रहा है पब्लिकली, ये बहुत जल्द जो है वो खुलने वाली है। इसके अलावा हमको बता दें कि मेंबरशिप प्लान्स जो है क्या रहेगा जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इस बाइसाइकल्स का यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि याना ऐप का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिसके साथ साथ यहाँ पर रेड लिस्ट भी जो है वो दी गई है। लगातार जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा जम्मू की ब्यूटिफिकेशन को लेकर, जम्मू की मॉडिफिकेशन को लेकर लगातार स्टेप लिए जा रहे हैं, और ऐसे में अब जम्मू स्मार्ट सिटी जो है एक और पहल जो है वो कर चुका है और जिसका फ़ायदा जो है आम लोग बहुत जल्द उठा पाएंगे। ये ऐप के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है दी गई है, डाउनलोड याना ऐप, और इसमें आपको साइन इन करना है, जिसमें आपको OTP मिलेगा और नियर बाई बाईसाइकिल जो आपके पास में होगी आप उसको सर्च कर पाएंगे, स्कैन आपको कोड करना है, और उसके बाद इस ऐप से आप बाईसाइकिल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। फ़िलहाल अभी इन साइकिल्स का जो है वो ट्रायल चल रहा है, बहुत ही जल्द लोगों के लिए जो है इसका उपयोग आसान हो जाएगा। जम्मू में कई सारी जगहों पर जो है ये बाईसाइकिल स्टैंड जो है आम लोगों के लिए लाए जाएंगे। आपको बता दें कि 1200 के करीब जो है बाईसाइकिल हैं, और जिसमें आपको बता दें जम्मू शहर में 130 से भी ज़्यादा जो है बाईसाइकिल स्टैंड जो है वो बनने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे स्टैंड्स जो हैं अब तक बन चुके हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्द इसका फ़ायदा जो है आप लोग उठा सकते हैं, और इससे आपको बता दें कि ट्रैफिक से भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और पॉल्यूशन फ्री हमारा जम्मू शहर बहुत जल्द होगा। तो छन्नी के अलावा जम्मू के अलग अलग स्पॉट्स पर ये बाईसाइकिल स्टैंड खुल चुके हैं और कई जगहों पर इसका काम जो है वो जारी है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है और जम्मू को एक ब्यूटीफाई करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, उसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन जानने का विषय यह रहेगा कि लोगों को सुविधाएं जिस तरह से इस बाईसाइकिल स्टैंड की दी जा रही है, क्या सड़कों की भी उनको सुविधा मिलेगी, ये जानने का विषय रहेगा। और आप लोग किस तरह से इस प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि यह हमारे जम्मू शहर में कारगर साबित होगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।